Your Highness, Excellencies, स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे ब्रदर और यूएई के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। इतनी व्यस्तता के बीच भी उनका यहां आना, हमारे साथ कुछ पल बिताना और उनका समर्थन मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूएई के साथ इस इवेंट को कोहोस्ट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेनसन का इस इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने हमेशा महसूस किया है कि कार्बन क्रेडिट का दायरा बहुत ही सीमित है और ये फिलॉसफी एक प्रकार से कॉमर्शियल एलिमेंट से प्रभावित है। मैंने कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भाव होना चाहिए उसका बहुत अभाव देखा है। हमें होलिस्टिक तरीके से नई फिलॉसफी पर बल देना होगा और यही ग्रीन क्रेडिट का आधार है। मानव जीवन में आम तौर पर तीन प्रकार के चीजों का हम अनुभव करते हैं। हमारे स्वाभाविक जीवन में भी जो लोगों को हम देखते हैं तो तीन चीजें हमारे नेचर सामने आती हैं। एक प्रकृति यानी टेंडेंसी, दूसरी विकृति और तीसरी संस्कृति। एक प्रकृति है, एक नेचुरल टेंडेंसी है जो कहती है कि मैं पर्यावरण का नुकसान नहीं करूंगा, ये उसकी टेंडेंसी है। एक विकृति है, एक डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है जिसकी ये सोच होती है कि दुनिया का कुछ भी हो जाए, भावी पीढ़ी का कुछ भी हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, मेरा फायदा हो, यानी एक विकृत मानसिकता है। और एक संस्कृति है, एक कल्चर है, संस्कार है जो पर्यावरण की समृद्धि में अपनी समृद्धि देखता है। उसको लगता है कि मैं पृथ्वी का भला करूंगा तो मेरा भी भला होगा। हम विकृति को त्याग कर पर्यावरण की समृद्धि में अपनी समृद्धि की संस्कृति विकसित करेंगे तभी प्रकृति यानी पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी। जिस तरह हम अपने जीवन में हेल्थ के कार्ड को अहमियत देते हैं कि भाई आपका हेल्थ कार्ड क्या है, आपका हेल्थ रिपोर्ट क्या है, रेगुलर उसको हम देखते हैं, हम कॉन्शियस है, ये कोशिश करते हैं कि उसमें पॉजिटिव पॉइंट जुड़े हैं। वैसे ही हम पर्यावरण के संदर्भ में भी सोचना शुरू करना चाहिए। हमें देखना होगा कि क्या करने से पृथ्वी की हेल्थ कार्ड में पॉजिटिव पॉइंट जुड़े और यही मेरे हिसाब से ग्रीन क्रेडिट है और वही मेरी ग्रीन क्रेडिट की अवधारणा है। हमें नीतियों में, निर्णयों में यह सोचना होगा
कि उससे पृथ्वी के हेल्थ कार्ड में ग्रीन क्रेडिट कैसे जुड़ेगा। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, डिग्रेडेड वेस्टलैंड का है। अगर हम ग्रीन क्रेडिट के कंसेप्ट से चलेंगे तो पहले डिग्रेडेड वेस्टलैंड के इन्वेंटरी बनाई जाएगी, फिर उस भूमि का उपयोग कोई भी व्यक्ति या संस्था वॉलेंटरी प्लांटेशन के लिए करेगी, और फिर इस पॉजिटिव एक्शन के लिए उस व्यक्ति या संस्था को ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। ये ग्रीन क्रेडिट फ्यूचर एक्सपेंशन में मददगार होंगे और ये ट्रेडेबल भी हो सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, चाहे वह रजिस्ट्रेशन हो, प्लांटेशन हो, वेरिफिकेशन हो, या फिर ग्रीन क्रेडिट जारी करने की बात हो। और ये तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया है। हमें मिलकर ऐसे अनंत आइडियाज पर काम करना होगा, इसलिए ही आज हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं। ये पोर्टल प्लांटेशन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आइडियाज, एक्सपीरियंसेस एंड इनोवेशंस को एक जगह पर कलेक्ट करेगा, और ये नॉलेज, ये रिपोजिटरी वैश्विक लेवल पर पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और ग्रीन क्रेडिट्स की ग्लोबल डिमांड को शेप करने में मदद देगी। फ्रेंड्स, हमारे यहां कहा जाता है कि प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात प्रकृति उसकी रक्षा करती है जो प्रकृति की रक्षा करता है। इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि इस इनिशिएटिव से जुड़े, साथ मिलकर इस धरती के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए एक ग्रीनर, क्लीनर और बेटर फ्यूचर का निर्माण करें। मैं मोजाम्बिक के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं कि वह समय निकालकर हमारे बीच आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर आज इस फोरम में जुड़ने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।